आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी चीफ की तौसी का मामला बहुत अहम है, कानूनी नुकात खामोश हैं, बहुत सारे कवायद खामोश हैं, कुछ रवायतें बन गई हैं। माजी में 5-6 जर्नल खुद को 10-10 साल एक्सटेंशन देते रहे, अब मामला हमारे पास आया है तो तय कर लेते हैं। काबीना ने हमारी गलतियों की निशानदही को मान लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा तौसी से मुतालिक कानून न होने का तासुर गलत है, हुकूमत ने कभी नहीं कहा उनसे गलती हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि असर 9 और तौसी से मुतालिक कानून दिखाएं जिस पर अमल किया गया। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी रेगुलेशन की किताब मार्केट में नहीं मिलती, अपने दलाइल मुकम्मल करके अदालती सवालों का जवाब दूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि काबीना ने कल क्या मंजूरी दी है, हमें दिखाएं। क्या रूल्स में तब्दीली के वक्त काबीना को बहस के लिए वक्त दिया गया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना अरकान को वक्त दिया गया था। काबीना के फैसलों के बारे में दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी गयी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल जो आपने दस्तावेजात दी थी उसमें 11 अरकान ने यस लिखा हुआ था, अदालत ने आपकी दस्तावेजात को देख कर हुक्म दिया था। रूल 19 के मुताबिक जवाब ना आने का मतलब हाँ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी चीफ मिलिट्री को कमांड करता है, तायुनाती सदर वजीर आजम के एडवाइस पर करता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 18वीं तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में तब्दीलियां हुई हैं। आर्मी चीफ कितने अरसे के लिए तायुनात होते हैं, आईन और कानून की किस शिक के तहत कवायद तब्दील किए गए। समाअत 1 बजे दोबारा होगी।